कानपुर घाटमपुर ब्रेकिंग, रिटायर्ड दरोगा के घर हुई लाखों की चोरी। बंद घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। छत के रास्ते आकर घर में लगे लगभग 11 ताले तोड़े। पत्नी की लंबी बीमारी के चलते घर से बाहर गए थे परिजन। रिटायर्ड दरोगा ने स्थानीय पुलिस को दी चोरी की सूचना। सूचना पर पहुंची मामले की जाँच में जुटी घाटमपुर कस्बे के पचखुरा इंदिरा नगर की घटना। राम सजीवन, क्या मामला हुआ भैया? ऐसा था कि मेरी मिसेस के ब्रेन ट्यूमर है, तो उनका ट्रीटमेंट दिल्ली के चल रहा है, तो इस समय वहीं पर वो कानपुर में बेटी के पास रह रही, और मैं कल परसों आया था यहाँ देखने, और घर में सकुशल था, कहीं कुछ नहीं, सामान बात थी। कल सुबह मैं फिर चला गया हूँ और रात में ये घटना घट गई। कितने के जेवरात, कितने नकदी गई? अब करीब 5-7 लाख का सामान और करीब 10,000 कैश गया। जी, अभी तो विवेचना कर रहे हैं। दरोगा जी आए और पहले 100 नंबर आई, 112 बारे आए, वो आकर देख कर चले गए। इसके बाद फिर दरोगा जी आए, चौकी इंचार्ज। अच्छा, घटना का क्या क्रम रहा होगा? घटना का ये हुआ कि सुबह मैंने फ़ोन किया कि मुझे लगता है बाहर का मैं गेट ताला नहीं लगाया हूँ, तो सामने वालों को हमने कहा भैया ज़रा देख लीजिए, तो कहना ताला नहीं लगा हो, तो हमने भैया ज़रा और चेक करके देखो, तो ये जो अंडर लॉक था वो बंद था, तो कहाँ लगने भैया बंद है, तो हमने कहा हो सकता कि भूल गए हों हम अंदर ताला। तो फिर एक लड़का जो हमारे यहाँ रुकता उता था रहा का, तो उसको मैंने फ़ोन किया, रोहित को, हमको बेटा लगता है मैं ताला अंदर भूल आया हूँ, और जा अगर घाटमपुर जा रहे तो उसको जाकर चेक करके देख लेना। वो लड़का आया यहाँ पर, आके जब उसने देखा तो कहा वो तो सब आपके ताले वाले टूटे पड़े हैं, तब उसने मुझे सूचना दी, तब मैं कानपुर से इधर आ गया। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।